नाम जब आता है बच्चों की पोइट्री का तो लगता है बहुत ही सिंपल सी पोइट्री होगी, फनी पोइट्री होगी, बट इन माई ओपिनियन आई थिंक चिल्ड्रन पोइट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनरा टू राइट, बिकॉज एज कैलाश सत्यार्थी साहब सेड दैट चिल्ड्रन आर द childhood is the time when we actually acquire all the dispositions and all the things that we later carry on in our life. As words were said, child is the father of man. तो एक ऐसी ही पोइट्री मैंने चूज़ की है, पोएट हैं इस्माइल मेरठी. इस्माइल मेरठी साहब चिल्ड्रंस पोइट्री के एक बहुत जाना माना नाम हैं और वो न सिर्फ फ़नी लिखते हैं बल्कि ऐसी पोइट्री भी लिखते हैं जहां पर बच्चों के लिए कुछ नसीहत होती है मगर उस नसीहत को बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं समझा जाए. बच्चों के लिए जो एप्लीकेबल है शायद वो हमारे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि वो सिर्फ लर्न करते हैं और हम अनलर्न भी करते हैं. तो ऐसी ही एक पोइट्री आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसका नाम है छोटे काम का बड़ा नतीजा. एक बच्चा की अभी कुछ उसे तमीज न थी, लहवबाजी से पसंदीदा कोई चीज न थी. लहवबाजी इज खेलकूद. एक बच्चा की अभी कुछ उसे तमीज न थी, लहवबाजी से पसंदीदा कोई चीज न थी. खेलना, कूदना, खाना, यही मामूल था बस. इन्हीं तिफलाना तमन्नाओं में मशगूल था बस. तिफलाना इज चाइल्डहुड. इन्हीं तिफलाना तमन्नाओं में मशगूल था बस. एक तालाब था दो चार कदम घर से परे. एक तालाब था दो चार कदम घर से परे. दिल में लहर आई लबयाब ज़रा सैर करिए. साफ पानी से जो तालाब को पाया लबरेज, खेल का शौक तबीयत में हुआ और भी तेज. और पास अपने जो पाया कोई कंकड़ पत्थर, फेंक मारा उसे पानी में बहुत खुश होकर. खेलता पहले तो अब तुर्फ तमाशा देखा. तुर्फ तमाशा इज नॉवेल्टी ऑफ एक्सपेक्टेकल. खेलता पहले तो अब तुर्फ तमाशा देखा, दिल ही दिल में मुतहय्यर था कि ये क्या देखा. मुतहय्यर इज एस्टोनिश्ड. दायरा एक बना ऐसा कि बढ़ता है मुहित. मुहित इज एनसर्कलिंग फ्रॉम वन सर्कमफेरेंस टू अनदर. यू मस्ट हैव सीन व्हेन अ पेबल इज थ्रोन इनटू द वाटर हाउ इट गोज ऑन टू क्रिएट सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड इट एनकंपासेस द होल सर्फेस ऑफ द पॉन्ड. दायरा एक बना ऐसा कि बढ़ता है मुहित, घेर ली जिसने तालाब में सब सतहे बसीत. फिर तो खेल उसका इसी शगल पे मौकूफ रहा, इसी नज़ारे में तादेर वो मसरूफ रहा. इसी असना में हुआ बच्चे की माँ का भी गुजर. वहीं से बच्चे की माँ गुजरी. इसी असना में हुआ बच्चे की माँ का भी गुजर. बोला, अम्मा मुझे आई है एक अजब चीज़ नज़र, जो न देखी न सुनी न कभी अब से पहले. शायद आई है नज़र मुझको ही सबसे पहले. एक ज़रा सी हरकत और ये तासीर अजीब. एक ज़रा सी हरकत और ये तासीर अजीब. दायरा बढ़ के पहुँचता है किनारे के करीब. दायरा बढ़ के पहुँचता है किनारे के करीब. बस की जी जान से इसी शोबदे पे था शायदा. बस के जी जान से इसी शोबदे पे था शायदा. वुसते दायरा की अपने अमल से पैदा. थी वो माँ अहले दिल और नेक मानुष नेक निहाल. शी वॉज अ गुड नेचर्ड लविंग लेडी. थी वो माँ अहले दिल नेक मानुष नेक निहाल. हंस के फरमाया, मेरी जान ये नसीहत रख याद. हंस के फरमाया, मेरी जान ये नसीहत रख याद. यूं ही हर काम का हो जाता है अंजाम बड़ा. यूं ही हर काम का हो जाता है अंजाम बड़ा. गो कि आगाज में होता नहीं वो काम बड़ा. गो कि आगाज में होता नहीं वो काम बड़ा. कभी अदना हरकत जलजला बन जाती है. कभी अदना हरकत जलजला बन जाती है. कभी नाचीज सी एक बात गजब ढा जाती है. कभी नाचीज सी एक बात गजब ढा जाती है. यही अंदोज़े निकोकारी है और बदकारी भी. निकोकारी इज नेक गुड वर्क.
एंड बदकारी इज ईविल. सो यही अंदाज़े निकोकारी है, बदकारी भी अव्वलन खास थी अब आम में वो जारी है. अव्वलन खास थी अब आम में वो जारी है. इस पोएम की ख़ास बात यह है कि इंग्लिश में एक कंसेप्ट है द रिपल इफेक्ट. वी कॉल इट द रिपल इफेक्ट विच बिलीव्स दैट एनी स्मॉल एक्शन विच इज़ डन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड इट अफेक्ट्स द होल ह्यूमैनिटी एट लार्ज. इट माइट लुक स्मॉल बट इट अफेक्ट्स द होल ह्यूमैनिटी. लाइक अ टेररिस्ट अटैक बाई वन पर्सन इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन स्केयर सो मेनी पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और लाइक एक अच्छी किताब किसी ने कहीं पर लिखी हो, वो किताब पढ़कर दुनिया के हर कोने में आदमी इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है. ये होता है रिपल इफेक्ट. आज के ज़माने में रिपल इफेक्ट का बहुत असर है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बुरा थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज लिंचिंग की जो वारदात होती है तो हम सब अपनी अपनी जगह बहुत डर जाते हैं कि हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है. इसलिए शायद ज़रूरत है कि हम ऐसे काम करें, जिस अच्छे काम करें जिसका असर ह्यूमैनिटी पे पड़े. मैं ख़त्म करती हूँ रॉबर्ट एफ कैनेडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच से, जो इन्होंने रिपल ऑफ होप स्पीच कही जाती है. केप टाउन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट एफ कैनेडी जब वो सेनेटर थे तो वो गए थे और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था, ईच टाइम अ मैन स्टैंड्स अप फॉर एन आइडियल और एक्ट्स टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ अदर्स और स्ट्राइक्स आउट अगेंस्ट इनजस्टिस He sends forth a tiny ripple of hope. Those ripples build a current that can sweep down the mightiest wall of oppression and resistance. 60 साल बाद जब उसी यूनिवर्सिटी में ओबामा गए तो उन्होंने रॉबर्ट एफ कैनेडी को वहीं पर कोट किया. इसीलिए we can say that such is the power of ripple that stands intact over decades and centuries. Invest in small activities, invest in good work. Thank you. Shukriya.